NCERT syllabus for class 1, maths, chapter 6, time. Hey kids, welcome to DSS online classes. I'm your maths teacher Shalini Singh, and today we will start another new chapter, lesson 6, time. So here is a day, Sampada's day. Okay, first Sampada's get up for school. Second, एट ब्रेकफास्ट, यानी कि उसने ब्रेकफास्ट किया. थर्ड वर्क, रीड अ स्टोरी इन स्कूल, उसने स्कूल में एक कहानी पढ़ी. फोर्थ, ईट लंच, उसने लंच किया. और लंच हम कब करते हैं? वेरी गुड, दोपहर में हम क्या करते हैं? लंच करते हैं, नून में. फिफ्थ, प्ले, यानी कि पांचवी एक्टिविटी जो वो कर रही है, वो क्या कर रही है? खेलने की. और हम कब खेलने जाते हैं? शाम को. सिक्स, स्टडी, और हम पढ़ाई भी कब करते हैं? शाम में. सेवन, गो टू बेड, सातवीं एक्टिविटी जो संपदा ने की, गो टू बेड, यानी कि वो सोने चली गई. और हम कब सोते हैं? जब सूरज पूरी तरह से ढल जाता है, जब रात हो जाती है, उसके बाद से हम डिनर करते हैं, और डिनर के बाद हम कहाँ जाते हैं? सोने के लिए. तो पहली एक्टिविटी उसने कहा गेट अप फॉर स्कूल, सेकेंड एक्टिविटी ईट ब्रेकफास्ट, थर्ड एक्टिविटी रीड स्टोरी इन स्कूल, फोर्थ एक्टिविटी ईट लंच, फिफ्थ एक्टिविटी प्ले, यानी कि वो खेली, सिक्स एक्टिविटी सी स्टडी, वो उसने क्या की? पढ़ाई की. और सातवीं जो एक्टिविटी उसने, सेवन्थ एक्टिविटी कौन सी की है? गो टू बेड, यानी कि संपदा जो है वो सो गई. कम टू द नेक्स्ट पेज, एंड हियर इज योर नेक्स्ट पेज. सो वी हैव अवर सेकेंड पेज हियर, एंड पेज नंबर 90. टिक द एक्टिविटी दैट यू डू इन द मॉर्निंग, वो एक्टिविटी आपको टिक करनी है. फर्स्ट फिगर में फोर फिगर दिए हैं फर्स्ट ऑप्शन में, और उसमें से बताना है कि सबसे पहले एक्टिविटी आप क्यों क्या करते हो सुबह में. तो सुबह में राम इज टेकिंग बाथ, तो राम सुबह में क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं सुबह में? नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है. सेकेंड में आते हैं टिक द एक्टिविटी दैट यू डू इन द इवनिंग, हम शाम के वक्त में क्या करते हैं? नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, सो जाते हैं या खेलते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा? शाम के वक्त में हम क्या करते हैं? खेलते हैं. थर्ड ऑप्शन में दिया है टिक द एक्टिविटी दैट यू डू इन द डे, यानी कि दिन में हम क्या करते हैं? हम दिन में क्या करते हैं? ब्रश करते हैं दोपहर में? नहीं. या नहाते हैं? बिल्कुल नहीं. हम स्कूल से घर आते हैं और लंच करते हैं. संपदास डे. संपदा गेट्स अप फॉर स्कूल. शी ईट्स हर ब्रेकफास्ट. शी रीड्स अ स्टोरी इन स्कूल. She eats her lunch in the afternoon. She plays with her friends. She studies in the evening. She sleeps at night. The activities that you do in the morning, evening and night. Ram takes bath in the morning. Seema brush her teeth in the morning. Girls play in the evening. Ram sleep at night. Now come to the next page, page number 91. There is an activity. नंबर द एक्टिविटी इन सीक्वेंस, यानी कि आपको ये जो एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, एक इंसान, एक आदमी है जो रोटी बनाने के लिए एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको इस एक्टिविटी को सीक्वेंस में, यानी कि पहले कौन सी एक्टिविटी करेगा, फिर दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी, इस तरीके से आपको इस एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस में अरेंज करना है. यानी कि जो सर्कल है उन सर्कल में नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके आपको नंबर्स करना है, और इसको अरेंज करना है कि पहले से आखिरी एक्टिविटी तक हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे. ओके, एंड पेज नंबर 92. टेक द एक्टिविटी विच टेक विल लॉन्गर, विच एक्टिविटी विल टेक लॉन्गर, आपको बताना कि कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम लगे.
सो आपको पेज नंबर 91 एंड 92 वर्क में करना है. सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय क्लास. थैंक यू.